जी 2 मिनट इधर आओ, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट इधर साइड में। और 24 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 5, और आज मैं एक छोटी से काम के लिए जा रहा हूँ बाहर, बहुत दिनों बाद, ऑन माय रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। मैंने इसको कल थोड़ा बहुत साफ किया था, अब देख सकते हो इट्स शाइनिंग। अभी ऑन करते हैं और फिर इस पर चलते हैं, छोटा सा एक काम है मुझे वो करना है और एक दो बातें करनी है आप लोगों से। स्टार्टिंग सो नाइसली, सेल्फ भी है इसमें अब, और बहुत टाइम से मैं डोमिनर के साथ ही व्लॉग कर रहा था, मैं डोमिनर को राइड पर ले जा रहा था, बट अब आज इसका नंबर है। और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मैडी भाई रॉयल एनफील्ड पे चलो, एक बार चेक कर लो तो कैमरा चल रहा है या नहीं। यस, कैमरा इज वर्किंग। पहनते हैं अपनी शेड्स एंड लेट्स गो। दिस इज माय मोहल्ला। हाँ, अच्छा आराम से स्टार्ट हो गई भाई। एक्चुअली मैंने इसको कल स्टार्ट किया था तो टाइम ले रही थी स्टार्ट होने में। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है, जब सेल्फ आ जाता है ना तब हम किक का यूज़ नहीं करते, बट जब भी आप बाइक को स्टार्ट करो यू हैव टू यूज़ योर किक। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग स्टार्ट योर बाइक विद अ किक एंड देन बाद में सेल्फ से आप कर सकते हो। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फॉर माड़ी। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग इन जम्मू। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पापा होके आए हैं बाहर से एंड ही वॉज सेइंग कि आज लॉकडाउन जैसा फील आ रहा है जम्मू में, बट अभी मुझे लग तो नहीं रहा है। आई थिंक शाम को गाड़ियां चल रही हैं, बट एज सच कोई लॉकडाउन की डिक्लेरेशन नहीं हुई है कि लॉकडाउन है, बट या देर इज़ अ रूल इन जम्मू नाउअडेज कि एक दिन शॉप खुलेंगी और दूसरे दिन दूसरी शॉप्स खुलेंगे, लाइक ऑड इवन जैसा आप कह सकते हो। मेरी बाइक का चेन थोड़ी सी लूज़ है तो मुझे वो फिक्स करानी है, अभी देखता हूँ वो शॉप खुली है नहीं। मैं कल भी आया था, कल फ्राइडे था तो ये शॉप्स बंद थी, अभी चेक करते हैं ये खुली है या नहीं। भैया चेन टाइट कर देना थोड़ी सी यार। सबसे घर आया हूँ, मैंने अपनी बाइक छोटी मोटी राइड पे नहीं ली, आज सैटरडे है तो मैंने सोचा छोटा सा काम करना था तो मैंने सोचा ले चलते हैं आज इसको, बहुत दिन हो गए। एंड एज यू कैन सी बहुत ही कम लोग हैं इस टाइम पे, कोरोना की सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है राइट नाउ एंड इट्स वेरी लाइक वेरी डेंजरस। थोड़ा ब्यूटीफुल वेदर इन जम्मू यार। चलो बहू प्लाजा चलते हैं, कुछ काम है मेरे को, फिर काम करके मिलते हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कैसा लग रहा है बुलेट देख के? क्या मस्त लग रही है ना बाइक, परफेक्ट। बहुत दिनों से नहीं चलाया मैंने इसको, तो घर पे बड़ी थी। अभी लॉकडाउन नहीं है जम्मू में, और एक्चुअली मेरा सैटरडे संडे का प्लान था राइड पे जाने का, बहुत अच्छी जगह थी, अनएक्सप्लोर्ड जगह, 2 दिन के लिए कैंपिंग करनी थी, बट वही कोरोना की वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया हम नहीं जाएंगे। बट आज अभी इसी वक्त मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ और आप भी शायद महसूस कर पाओगे। हाँ, बुलेट का मज़ा आता है यार, माना कि तेज़ नहीं चलती डोमिनर जितनी, बट जो बुलेट की फील है ना वो बुलेट की ही है। लुक एट द बाइक, लुक एट द बाइक यार। ताजी 2 मिनट इधर आओ, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट इधर साइड में। हाँ मुझे आपकी बाइक देख के बड़ा खुशी मिल रही है यार। हाँ ठीक है, आई जस्ट वांट टू शूट योर बाइक। लुक एट द बाइक यार, क्या प्यारी लग रही है। हाँ श्योर श्योर, आगे रुकते हैं। लुक एट द बाइक। हाँ क्या बात है, ब्यूटीफुल मशीन। This is street glide, sir. Sorry. Which bike is street glide? This is a road king. अच्छा road king Harley. Yeah. Look at the bike, yar. Mast. Beautiful and they have the group.
आई थॉट ये बंद होगा आज, आई थॉट ये बंद होगा। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सिस्टेन जम्मू। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी के पास। ओके ओके ओके, भाई आई सॉ दिस बाइक, चंडीगढ़ नंबर ना, चंडीगढ़ नंबर देखा ना मैंने। अच्छा अच्छा, क्या है इसका प्राइस क्या है? दिस इज 32 लाख ऑन रोड। 32, नाइस यार, क्या मस्त लग रही है, देखो यार ब्यूटीफुल मशीन। दिस इज हाउ मच सीसी? 1000 सीसी। दिस इज 1900 सीसी। हाँ दैट्स गुड यार, ब्यूटीफुल मशीन। दिस इज द रोड किंग बाइक फ्रॉम द हार्ली डेविडसन, क्या प्यारी लग रही है। सी यू सर, थैंक यू सो मच, आप रुके, थैंक यू सो मच। एवरेज बता दो सर, एवरेज एवरेज कितना देती है? द मेन क्वेश्चन इज एवरेज क्या है इसका? एवरेज वुड बी अबाउट 15-16। 15-16 देती है। अपन चलते हैं, ब्यूटीफुल मशीन। द पिट स्टॉप के राइडर्स कैफे है, मैं वैसे कभी नहीं आया, बट आऊँगा कभी फिर, बट नॉट टुडे बिकॉज ऑफ कोरोना। मैंने इनको रोका यार, ये रुक गए, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग बींग अ राइडर। एंड ही टोल्ड मी दैट ये ट्रैवल करते हैं इस बाइक पे, हार्ले पे रोड किंग पे ट्रैवल कर रहा, 15-16 की एवरेज, वो भी हाईवे पे बता रहे होंगे, और प्रॉबेबली जो आगे पहाड़ों पे तो उसकी एवरेज आई थिंक 7-8। कैसे चलाऊंगा यार इतनी भारी बाइक को पहाड़ पे, मेरे लिए तो मुझे लगता है शायद पॉसिबल नहीं है, बट देखते हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू इन जम्मू, दिस इज अ परफेक्ट व्यू, परफेक्ट टाइम टू कम ओवर हियर। बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। दिस इज द जम्मू तवी रिवर। अपने पास भी आएगी एक दिन हार्ले ज़रूर, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है यार, अभी तो कुछ भी मेहनत नहीं करता हूँ मैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ से आया, अब मैंने देखा यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, तो देखते हैं फिर यहाँ राइड पर आएंगे कभी। ओह ओह हो, ये कौन सा एरिया है? ओह हो, ये कोई तो खुफिया जगह लग रही, आर्मी का एरिया यार ये तो। तो रोड आगे शायद बंद ही होगी, बट देखते हैं ये रोड जाती कहाँ है। इट्स बिट स्केरी यार, कोई भी नहीं यहाँ पे। ओह एक गाड़ी आई, इनसे पूछते हैं आगे रोड कहाँ जाता है। तो भैया बोल रहे हैं ये रोड जाता है नगरोटा, तो अगर आप इस रोड पे कभी आए तो लेट मी नो। ओ भाई तो वहाँ तो कोई है ही नहीं, ये तो ऐसे ही जाए जरा रोड। एक्चुअली ये रास्ता जो है ये यहाँ मिल रहा है, कोल कंडोली यहाँ से आता है, यहाँ से कोल कंडोली आता है, ये रहा कोल कंडोली वाला रास्ता, और ये रास्ता यहाँ मिलता है हाईवे पे। दिस इज द रास्ता अंदर अंदर से, क्या बात है। सो यू कैन कनेक्ट कोल कंडोली से हाईवे तक यहाँ अंदर से रास्ते से इजीली, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट था यार ये, जम्मू 12 है यहाँ से। चलो घर पे मिलते हैं, फिर घर पे बात करते हैं यार। 6.5 hours later. Alright, so आज का जो मोटो व्लॉग था, एक्चुअली मैं उसमें बहुत कुछ डालना चाहता था, लाइक एडअप करना चाहता था कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह, बट वही था कि मैं फिर अगर रुकता तो फिर मुझे थोड़ा सा ना माइंड में भी एक टेंशन थी, और मम्मी ने भी कहा था कि पहले तो बाहर मत जाना, और अगर बाहर जा रहे तो रुकना मत, ऐसे मोटो व्लॉग करके आ जाना। तो आज हमने जो छोटा सा मोटो व्लॉग किया, और हमें एक हार्ले भी मिल गई, तो होपफुली आपको अभी तक का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइज मेरे पास दो गिफ्ट्स आए हैं, एक्चुअली इट्स नॉट अ गिफ्ट, दीज आर दी शेड्स जो मुझे आईवेयर लैब्स वालों ने दी हैं। सो दिस इज दी ब्रांडिंग, दिस इज़ दी ब्रांडिंग आईवेयर लैब्स, इसमें क्लियरली मैंशन है। तो एक तो मैंने खोल दिया था जब आया था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी इन शेड्स की, बिकॉज ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहना हुआ है, और मैंने भी इसीलिए ऑर्डर किया था। और एक्चुअली मुझे ये कोई फुली स्पॉन्सर्ड नहीं हुआ है, मुझे ये 50% डिस्काउंट पर दोनों मिले हैं, मतलब लाइक हाफ रेट्स पर मिले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आईवेयर लैब्स फॉर गिविंग मी दिस, एंड दिस इज सच अ नाइस शेड। अभी मैं बाहर जाऊँगा तो मैं इसको पहनूंगा, यू कैन सी काफ़ी अच्छा लग रहा है, होपफुली मेरे पे भी। और एक ग्रीन कलर है, और दूसरा जो कलर उन्होंने मुझे दिया है पता नहीं, ये आई थिंक पर्पल कलर है, मैं इसको फटाफट खोल के आपको दिखा देता हूँ, सो मज़ा आता ना। सो नाइस, सो ब्यूटीफुल मैन, लुक एट दिस,
कई उतारते हैं। आई थिंक अच्छा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ इसको पहन के। अगर मैं व्लॉग्स में पहनूंगा तो मैं कैसा लगूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आईवर लैब्स। हालांकि ये फुली स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ये हमारे इस चैनल के लिए एक अच्छी बात है कि 50% डिस्काउंट मिल गया है। और बहुत ही जल्दी एक कूपन कोड भी आ जाएगा मेरे नाम का, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर एक दो व्लॉग्स जब भी मुझे मिलेगा तो मैं आपको डाल दूंगा। आप वहां से थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे को भी कुछ फायदा हो जाएगा, इस चैनल को भी फायदा हो जाएगा। सो गाइस दीज आर दी टू शेड्स दैट आईवर लैब्स हैज गिवन मी। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी रिलायबल है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर कॉम्बो अच्छा है। अगर आप व्लॉगर हो या फिर आप कभी भी कहीं ट्रैवल करते हो, ये ट्रैवल वाले जो शेड्स का कलर है काफ़ी बेस्ट है। सो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस व्लॉग। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल गाइस। अभी सीन ये है कि कोरोना की वजह से राइड्स कैंसिल हो गई है। मैं एक लॉन्ग राइड पे जाने का प्लान था, प्रॉब्ली जून में लद्दाख भी जाता, बट वो चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। तो इसलिए अब सब कुछ कैंसिल होने की वजह से अब आगे चीज़ें पता नहीं कब हो पाएंगी। जब भी सिचुएशन ठीक होगी हम वो राइड्स वगैरह करेंगे। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू मी ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल दी स्टोरीज। और ये व्लॉग्स आते रहेंगे। अब मैं लाइफस्टाइल भी व्लॉग्स बनाऊंगा बिकॉज अभी घर पे ही रहना पड़ेगा। आज संडे है तो आज कर्फ्यू भी है। ये व्लॉग मैंने कल शूट किया था, आज आपको ये मंडे को दिख रहा है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइड राइड सेफ राइड हैप्पी राइड कॉन्फिडेंट एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो मजे करो गाइस, ऐश करो, क्या पता कल होना हो। और गाइस प्लीज अपना ध्यान रखो भाइयों, बहुत बहुत सिचुएशन खराब है इंडिया में। और अब अगर बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाओ, और अगर बहुत ज़रूरी है जाना तो तभी जाना, अदरवाइज मत जाना। मैं भी आज छोटा सा गया, मैं रुका नहीं कहीं, इसलिए मैंने अपना काम किया, मास्क लगा के गया था। कुछ इंपॉर्टेंट काम था बहुप्लाजा में तो वो करके आ गया। विद दैट सेड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।